वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड ऐप। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए इससे अच्छा एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखा जो आपको हर एक एक ट्रांजेक्शन पे इतने ज़्यादा रिवॉर्ड देती है। बस आप लोग को करना यही है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से क्रेड ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद से अपना सारा डिटेल फिलअप करना है, कार्ड ऐड करना है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी बिल पेमेंट करते हो उतना ही आपको कॉइन मिलते हैं और वो सभी कॉइन को आप लोग रिवॉर्ड कर सकते हैं। प्लस इसमें किल द बिल का भी एक ऑप्शन है जिसमें आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे 10,000 तक का भी कैशबैक मिलता है जो कि डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हो तो इससे अच्छा एप्लीकेशन और कोई भी नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग इग्नू के रिलेटेड तीन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो नए और पुराने सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके पर्सनली अपना एक एक डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन कहीं पे भी लास्ट डेट के बारे में नहीं बताया था कि कब तक फ्रेश एडमिशन होंगे। लेकिन अभी इग्नू ने अपने जो एडमिशन पोर्टल है वहां पर इस चीज को मेंशन कर दिया है, लास्ट डेट इज 31 दिसंबर। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि यह लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड होगा क्योंकि इतना जल्दी फ्रेश एडमिशन क्लोज नहीं होता है। फिर भी आप लोग कोशिश करो कि लास्ट डेट के अंदर ही एडमिशन ले लो, अगर एडमिशन डेट एक्सटेंड ना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन था। दूसरा ये था कि इससे पहले बहुत सालों से इग्नू ने एमए इन एजुकेशन और एमएससी इन मैथमेटिक्स इसको बंद कर दिया था लेकिन इस बार से इग्नू ने स्टार्ट कर दिया है लेकिन सिर्फ ऑफलाइन मोड में, ठीक है। इससे पहले एमए इन डिस्टेंस एजुकेशन होता था लेकिन एमए इन एजुकेशन नहीं होता था, ठीक है। तो इस बार से इग्नू ने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हो। यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, यहां पर इग्नू ने बोला है जस्ट कि फॉर एडमिशन इन एमए एजुकेशन एंड एमएससी प्लीज रेफर टू द कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2020 एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे करना होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग को कॉमन प्रोस्पेक्टस इग्नू का डाउनलोड करना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉमन प्रोस्पेक्टस को आप लोग डाउनलोड करोगे तो इसमें हर एक चीज दी हुई होती है, तो इसी में 238 नंबर पेज में, 264 पेज है इसमें, ठीक है, जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उसी में 238 नंबर पेज जो है उसमें आप लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यही है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसी को आप लोग को प्रिंट आउट करना होगा, प्रिंट आउट करने के बाद से अपना यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे नेम ऑफ प्रोग्राम अप्लाइड, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो दो ही तो प्रोग्राम है जो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, एक एमए इन एजुकेशन और एक एमएससी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही दोनों में से लिखना होगा, बाकी सभी तो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखोगे, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, सभी का अगर आप लोग को कोड नहीं पता है तो प्रोस्पेक्टस को ही फॉलो करो, प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज की डिटेल दी हुई है। अगर फिर भी आपको अगर कोई भी चीज में डाउट हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना, ठीक है। और यहाँ पे हर एक डिटेल सही से फिलअप करने के बाद से आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी, जहां पे भी आपका सिटी है, यानी कि जैसे अगर किसी का कोलकाता में उनका रीजनल सेंटर है तो होगा डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट कोलकाता, ठीक है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना, इस तरीके से करके उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको अपना रीजनल सेंटर में सबमिट करना है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहां पे मैं एक और बात क्लेरिफाई कर दूं सभी स्टूडेंट्स को कि एमए इन एजुकेशन करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बैचलर डिग्री भी एजुकेशन से किया हुआ होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएट किए हुए हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप एमए इन एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हो। और एमए इन एजुकेशन काफ़ी फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि देखो सभी स्टूडेंट्स बीएड के बीएड में तो एडमिशन लेते हैं लेकिन बीएड कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको एमएड करना जरूरी होता है, तो एमएड का काफी फायदा है। बीएड में तो काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन एमएड में उतना सारा चीज नहीं है, तो आप एमए इन एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है। और एमएससी भी बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया गया है तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो ऑफलाइन मोड में, ठीक है। जो तीसरा इन्फॉर्मेशन था वो था इग्नू के कॉन्टैक्ट डिटेल को लेकर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपडेट किया गया है, हालांकि इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था ये सारा चीज, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट किया गया
उसको थोड़ा सा सुन लेना आप लोग। इससे पहले जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम थे वहां पे अगर कोई भी क्वेरीज था तो आपको bdresult@ignou.ac.in पे ही मेल करना पड़ता था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं यानी कि बीए बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो वो ये ईमेल आईडी पे मेल करेंगे bdprezult@ignou.ac.in। और बीए बीकॉम और बीएससी को छोड़ के जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है जैसे बीएसडब्ल्यू हो गया, बीटीएस हो गया, इन सबका के लिए बीडी रिजल्ट ओनली, ठीक है। तो देखो नंबर का तो कोई फायदा नहीं रहता क्योंकि नंबर पे कोई तो उठाता है नहीं, लेकिन ईमेल आईडी पे नॉर्मली जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ईमेल करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि उनका फी कट गया लेकिन फी पेमेंट नहीं हुआ या एग्जामिनेशन फी कंफर्म नहीं हुआ, एग्जामिनेशन फी उन्होंने पे कर दिया लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी कुछ ईमेल आईडी ऐड किए गए हैं otcacd@ignou.ac.in। उसी तरीके से हर एक जो भी क्वेरीज होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है इग्नू को, इग्नू के स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए अलग सा ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पे मेल कर सकते हो। आप लोग कॉल करने से तो उठाते नहीं है लेकिन मेल आप लोग करोगे तो वहां पे उठा लेंगे, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन का मैं बता दूं आप लोगों की, रिमाइंड कर दूं कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उसके बाद से डेट एक्सटेंड होने का चांसेस बहुत कम है, तो आप लोग जरूर कर लेना। और एक और बात, सब्जेक्ट चेंज को अपडेट दे दूं मैं, सब्जेक्ट चेंज करने का जो फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया है उसका चांसेस है कि जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बारे में विचार किया जाए, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चेंज करना ही है और अभी तक उनको मीन सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं किया जा रहा है तो कम से कम जनवरी तक वेट कर लो, जनवरी तक एक मरतबा रीजनल सेंटर जाके विजिट कर लेना कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल सब्जेक्ट चेंज को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग री रजिस्ट्रेशन करना तो सब्जेक्ट चेंज में कोई भी गलती, सब्जेक्ट चूज करने में कोई भी गलती मत करना, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना लेकिन गलती मत करना, क्योंकि एक बार हो गया तो फिर चेंज नहीं हो सकता। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन का लास्ट डेट को 31 दिसंबर तक ही रखा है, अभी अनाउंस कर दिया गया है, पहले अनाउंस नहीं किया गया था। और मास्टर डिग्री में दो ऑफलाइन मोड में एडुकेशन, एमए इन एडुकेशन और एमएससी, ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, उसके भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, एक और बात मैं ये बता दूं कि आप लोगों को, मैंने जब शुरुआत में फ्रेश एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं सभी चीज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन तब मैंने सोचा था कि इग्नू ने इग्नू प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, लेकिन देखो अभी 20-25 दिन हो गया फ्रेश एडमिशन स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी कोई भी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं आप लोग को बता पा रहा हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ अगर कोई और वे हो जिससे मैं बता पाऊँ, क्योंकि अगर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन दिया रहता ना तो वहाँ से बहुत ईजी होता है आप लोग के लिए समझने में और मुझे भी बताने में, लेकिन उस चीज को अपडेट ही नहीं किया गया जो कि पहले का पोर्टल में सब कुछ अपडेट रहता था, तो वहां से बहुत इजी वे में मैं बता सकता था। खैर जो भी हो, अगर कोई ऐसा वे और आए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता देने के लिए। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे।